दिस इज सैयद राशिद, आई एम टीचिंग यू लाइक फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर 3 लॉस ऑफ मोशन एंड आई एम फ्रॉम ABI अहलेबाद इंस्टीट्यूट. नाउ स्टूडेंट, आई एम जस्ट गिविंग फ्यू क्वेश्चंस. ओके, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिए. कुछ के आंसर्स मैं लिखूंगा, कुछ के आपको फाइंड करना है. ये कुछ प्रॉब्लम्स है आपको, आई थिंक लाइक 5-6 प्रॉब्लम्स है, ये आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ मैं. कब लगाता हूँ? एक्सप्लेनेशन के बाद. ठीक है, अभी नहीं लगाता, आफ्टर एक्सप्लेनेशन. तो पहला सवाल ये है स्टूडेंट, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस 8 kg एंड 25 kg, विच वन हैज़ मोर इनर्शिया, वाई. यानी कि यहाँ पे सवाल आपको पूछ रहा कि दो ऑब्जेक्ट्स है कहते, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स कहके हैं, एक 8 kg है और एक एक आपको 25 kg है, किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है और रीज़न बताइए आप उसका क्यों है. तो अब आंसर में क्या लिखना कि 25 kg हैज़ मोर, आप देखिए यहाँ पे मैं जैसा लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लिख सकते, मोर इनर्शिया देन 8 kg ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ तक आपने लिख लिया, तो ये तो आपका आंसर बोल दिया आप. लेकिन वाई पूछ रहा हूँ, रीजनिंग क्या है, वाई बिकॉज मोर मास मोर इनर्शिया. एक हमने टॉपिक पढ़ी थी कि जितना ज़्यादा मास उसका रहेगा उसको ज़्यादा जो है इनर्शिया की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट वाला आंसर है. सेकंड वाला आंसर या सल्यूशन जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम टाइप भी है, थ्योरी पार्ट भी है. यही तो बात है ना यार फिजिक्स पढ़ने की, द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स, इन मैथ्स यूजुअली यू आर गेटिंग ओनली प्रॉब्लम्स एंड थोड़े से डायग्राम्स आएंगे आपको, बट यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगे, डायग्राम भी आएंगे, फिर आपको थ्योरी पार्ट भी पढ़ना है, फिर आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स भी करना है. और आप क्योंकि 9th क्लास की फिजिक्स में है, तो ये 9th क्लास की फिजिक्स में केमिस्ट्री भी घुस के आ जाता, तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए, थोड़ा एफर्ट लगाइए, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक MPC एंड BPSC इन योर इंटरमीडिएट. ओके, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, समझने आएगा. तो नाउ अभी आप देखिए यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ 6 kg बॉल ब्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2.2 m/s. यहाँ पे बोल रहा कि एक बॉल है, ठीक है, जिसका वेट कितना है, बॉल इज इक्वल्स टू 6.0 kg. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो स्टूडेंट, 6.0 kg इज नथिंग बट 6 kg इटसेल्फ ही आर. वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी कितनी है इसकी, 2.2 m/s. मेक श्योर स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप लोग यूनिट्स अगर भूल जाओगे, इफ़ यू आर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, इसमें से आपको मार्क्स कटते हैं. जैसा कि आपका 2 marks का क्वेश्चन है, माइट भी हाफ मार्क्स कट जाएंगे. अगर 4 marks का क्वेश्चन है, सॉलिड 1 marks तक काट सकता हूँ यूनिट्स नहीं लिखे. तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिट्स आपको लिखना ही है. और कुछ स्पेशल केसेस रहते, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी रहती जिसकी यूनिट नहीं रहती, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग आर्गुमेंट है, ठीक है. लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको यूनिट्स लिखना है. नाउ देखिए, बॉल हो गया आपका 6 kg और वेलोसिटी हो गया 2.2 m/s. हमको मालूम क्या करना है स्टूडेंट, कम ऑन, मोमेंटम. तो मोमेंटम को हम यूजुअली पी से डिनोट करते हैं, आपको पता है. तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, p × mv रहता, मास इंटू वेलोसिटी. यहाँ कन्फ्यूज मत होइए, ये मोमेंटम का फार्मूला है. वेर एस इम्पल्स का फार्मूला क्या रहता है आपको, डेल्टा पी इक्वल्स टू फोर्स नेट इंटू टाइम रहता, ठीक है. यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको इंस्टेड ऑफ टाइम हम डेल्टा टी लिखते हैं. तो ये इम्पल्स का फार्मूला है, ये मोमेंटम का है. तो पी तो अपनी जगह पे है, एम कितना है स्टूडेंट, 6 है, इंटू 2.2, ये क्या है, वेलोसिटी. तो हमारे पास पी क्या हो गया, 6 को 2.2 से इंटू करिया, ऑब्वियसली आंसर क्या आता आपको, 13.2 आता. लेकिन यहाँ पे हम मोमेंटम को हम यूनिट्स क्या देंगे, हम यहाँ पे हमको मोमेंटम्स को जो यूनिट होना है दोनों ही मिला के देना पड़ेगा, यानी मास के भी देना पड़ेगा, वेलोसिटी के भी देना पड़ेगा. तो ये चीज़ आपको 2 से 3 मरतबा एफर्ट डालिए ज़रूर आ जाएगी. तो यहाँ पे जो यूनिट्स इसके मैं लिखूँगा kg m/s. ओके, पर सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना है. स्क्वायर लिखने की वजह यह है कि जो मोमेंटम का यूनिट है इस तरीके से ही लिखा जाता है. ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हो स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम. नाउ थर्ड वाला है, टू पीपल्स पुश अ कार
पर 3 सेकेंड विद द कॉम्बाइंड नेट फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स पर सेकेंड। यहाँ पे थर्ड वाला का हम थोड़ा सा देख लेंगे, थर्ड वाला सोल्यूशन बोलो आप, आंसर बोलो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉल इट। दो जने मिलके क्या कर रहे हैं, कार को, यानी कि कंबाइन टू पीपल्स पुश अ कार फॉर 3 सेकेंड के लिए पुश कर रहे हैं वो लोग, और वो दोनों का कंबाइन फोर्स कितना हो गया, फोर्स ऑफ नेट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन हो गया। वेयर एज टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 3 सेकेंड दिया हुआ है। अब करना क्या है, कैलकुलेट द इम्पल्स प्रोवाइडेड टू द कार, यानी कि जो कार है कार को इम्पल्स कितना प्रोवाइड होता है। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फोर्स नेट है, टाइम है, तो इम्पल्स क्या रहता है हमको, सिंपली यहाँ पे दिस पार्ट आप बोर्ड का देख सकते हैं, आई थिंक ये मेरी लास्ट लाइन मारता हूँ, यहाँ तक आप लास्ट देख सकते हैं बोर्ड, एम आई करेक्ट। इम्पल्स कैसा है अपने पास, इम्पल्स का फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा था, डेल्टा पी इक्वल्स टू फोर्स नेट इंटू टाइम। तो फोर्स कितना है अपना 200 न्यूटन है, वेयर एज टाइम है अपना 3 सेकेंड, 200 इंटू 3 हो जाएगा 600। मगर एक चीज़ का ख्याल रखिए, अब यहाँ पे यूनिट्स क्या लिखेंगे आप, तो क्योंकि इम्पल्स क्या है, एक किस्म का एक्चुअली फोर्स है अपॉन टाइम, यानी कि फोर्स भी है और टाइम के भी यूनिट है, फोर्स अपॉन टाइम है ये, तो यहाँ पे हम आपको सेम फोर्स के भी यूनिट लिखना है, टाइम के भी, तो हम आपको यहाँ क्या लिखना पड़ता है, न्यूटन सेकेंड। ओके, दो यूनिट मैं थोड़ा सा पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, NEWTON न्यूटन सेकेंड, CCOND न्यूटन भी लिखना है आपको, सेकेंड भी लिखना है। चलिए थर्ड वाले में ये ए वाला सोल्यूशन हो गया था, बी वाले सोल्यूशन की थोड़ी बात कर लेंगे हम। इफ़ द कार हैज़ अ मास ऑफ 1200 kg, व्हाट विल बी इट्स चेंज इन वेलोसिटी। अगरचे के जो कार है ठीक है, उसकी जो है मास है 1200 kg है, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी रहेगी। सो इसका जो बी वाला है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, थर्ड के बी वाले पार्ट में कार का मास कितना है, कहते लिसन हियर 1200 kg है ठीक है। तो अब उन्हें पूछ रहा, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी में चेंज क्या होती है। यहाँ पे क्या होगा आपको, डेल्टा वी, डेल्टा वी इज नथिंग बट वेलोसिटी को हम कभी भी वी से डिनोट करेंगे, डेल्टा वी इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी रहती है। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता, इम्पल्स बाई मास, तो इम्पल्स क्या है हमारा, चेंज ऑफ डेल्टा पी है, चेंज ऑफ मोमेंटम बाई मास, कितना है हमारे पास 100 था, 0000 गेट कैंसिल, ये हो गया 6 1 6 2, तो 1/2, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0. तो चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा, तो ये क्या हो गया, डेल्टा वी है, तो वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे स्टूडेंट, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड होता, एंड इन सम केसेस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, डिपेंड करता उसके डायमेंशन के ऊपर, अगर वन डायमेंशन है तो मीटर पर सेकेंड लेंगे, क्योंकि कार एक लाइन में मूव हो रही तो वो वन डायरेक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से लेंगे। वेरस अगर दो बॉला अगर हिट कर दिए तो 3 डायमेंशन बनता, तो वहाँ पे हम आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ता। तो ये होता क्या है स्टूडेंट, थोड़ा आप लोग थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, बिकॉज यू आर लर्निंग दिस थिंग फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। आप ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा होता, मेरे को भी ऐसा होता था, मेरे को 2 से 3 मरतबा मेहनत किया, आई एम पुटिंग सम एफर्ट्स, फिर इसी फील्ड में थोड़ा मैं आगे बढ़ा था, जैसा मेरा MPC था इंटरमीडिएट में। तो अभी हमने थर्ड लेसन का पूरा लेसन कंप्लीट किया था, उसमें एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी किए थे, और 1, 2, 3 तीनों का मैं आपको सोल्यूशन बताया था। अभी होता क्या स्टूडेंट, एक स्क्रीन आता आपको, वो स्क्रीन में क्या होते हैं, 6 प्रॉब्लम्स दिखते हैं आपको, वो 6 प्रॉब्लमों में से तीनों का सोल्यूशन मैं यहाँ पे बता दिया आपको, लेकिन थोड़ा अच्छा फेयर लिखिए आप, जो मैं तो थोड़ा रफ लिखा, जैसा ये तो आंसर जैसा था वैसा लिख ले सकते हैं आप। सेकेंड वाले आंसर को क्या लिखिए आप, जैसा कि गिवन, ओके, व्हाट इज गिवन, व्हाट गिवन मास ऑफ बॉल, ठीक है, बॉल का मास कितना दिया, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल इसको, या फिर आप बॉल्स वेलोसिटी भी लिख सकते, ये लिखिए, मोमेंटम पी, हाउ मच पी इक्वल्स टू एम इनटू वी। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखिए, सेकंड वाला भी मैं कंप्लीट प्रॉब्लम करा देता हूँ, सेकंड वाला भी कंप्लीट प्रॉब्लम करा देता हूँ, व्हाई आई हैव टू बी इनकम्प्लीट, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका था, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ बॉल इज क्या आया था, 13.2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा अच्छा लिखिए स्टूडेंट फेयरली, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जैसा लिखा वैसा लिखे, अच्छा स्टेप बाय स्टेप फेयर, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना फेयर कर सकते। थर्ड वाले का सोल्यूशन ए ये है, गिवन नेट फोर्स बोल के लिखिए आप, गिवन फोर्स एफ है, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट पे आना है NET,
इक्वल्स टू 1200 न्यूटन टाइम गिवन टाइम, ओके गिवन टाइम कितना दिए हुआ है हमारे पास, ऐसा लिख लीजिए आप ठीक से, टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स लिखना ना भूले। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स नेट इंटू टी, 200 × 3 600 न्यूटन सेकेंड। ये हो गया थर्ड वाले का ए। थर्ड वाले का बी वाला क्या है हमारे पास, ऐसा अच्छे से लिखिए आप, क्या बोल के लिखना, गिवन मास ऑफ कार, जो कार का मास दिया हुआ था वो है, वेर एस हमको मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी फार्मूला वी हैव लाइक डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई एम, ठीक है, जो एम था, या फिर आप इसको डेल्टा एम भी ले सकते, चेंज इन मास, लेकिन यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा, ओनली 1200 kg रह रहा, इसलिए मैं डेल्टा एम नहीं लिया यहाँ पे। बस वर्कबुक्स या मटेरियल्स में डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा एम होता, फिर आप बोलेंगे सर वहाँ पे हम डेल्टा पी बाई डेल्टा एम देखें, डोंट कन्फ्यूज, ठीक है। ये आपका थर्ड वाले का ए बी दो भी हो गया। ओके स्टूडेंट, होप यू हैव सॉ द क्वेश्चंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। नाउ यू नीड टू कॉपी दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके ये तीन प्रॉब्लम्स आप कॉपी कर लीजिए, बाकी के आपको आई थिंक 7 प्रॉब्लम्स में लगाया वहाँ पे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ उनसे करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि या फिर मैं अभी बोला था आप किसी अपने गूगल से हेल्प ले सकते हैं, या कोई मेरे से भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं जूम पे भी, हमारे वहाँ पे भी जूम पे जब मैं आपको मिलूंगा, वेन एवर आई एम मीटिंग ऑन जूम, जूम पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट लेसन हो गया, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्या क्या पढ़े हैं, उसके बाद हमारा पूरा ख़त्म ही हो जाता है। ओके लुक एट वंस अबाउट आवर थर्ड लेसन लॉस ऑफ मोशन व्हाट वी हैव लर्न, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे हमने थर्ड लेसन में क्या क्या पढ़ा था। इट मे टेक फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट लगेंगे इसको, उसके बाद आपको मजीद अच्छा समझ जाने लगेगा। जैसा कि स्टूडेंट व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर लॉस ऑफ मोशन, जैसा ही हमने हमारा लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, हमारी जो फर्स्ट टॉपिक थी मोशन ऑन इंक्लाइन ऑन डिफरेंट स्लोप, यानी कि एक बॉल को लेके हम इंक्लाइन फिसल बंडे पे रख दिए थे डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स के साथ, तो ये टॉपिक थी, उसके बारे में कुछ थीरी पार्ट था जो हम समझे। उसके बाद नेक्स्ट हम डायरेक्ट यानी कि हमारी मेन टॉपिक पे आ गए, द थीम ऑफ अवर लेसन, जो लेसन का जो पल्प है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के दो और नामा भी होते बोला था मैं, एक तो होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, और एक एक का नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया बोल के, ठीक है। इनर्शिया किसको बोलते हैं, इसका जो डेफिनेशन है मैं ऑलरेडी समझा दिया था, जो फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि एक खुद मैं फिर से रीड कर देता हूँ, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया कौन सी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा अपना कुदरती नेचुरल टेंडेंसी है जो अपने आप को मोशन से रेस्ट में ला सकते या रेस्ट में से मोशन में ला सकते। जैसा कि आप है, आपके वाल पेरेंट्स आपको बोलेंगे स्कूल को जाओ, यानी वो लोग आपको आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज अगर हम हमारी फिजिक्स की भाषा में लें, लेकिन स्कूल को जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर है, जब तक कि आप मूव नहीं होंगे, जब तक कि आप स्कूल को नहीं जाएंगे तो आपका कुछ भला नहीं हो सकता। तो वैसी जो इनर्शिया होता है, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये डस्टर है, ये डस्टर को मैं फेंकना चाह रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब तक उसके अंदर से अगर उन्हें रेस्ट से चेंज मोशन में नहीं आना चाह रहा, मैं कितना भी फोर्स लगा लो कुछ भी नहीं होता, तो उसके अंदर ही शक्ति रहती, कुव्वत रहती, जिससे वो यानी कि रेस्ट वाला मोशन में जाएगा, मोशन वाला रेस्ट में होगा, उसको हम यूजुअली इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के बाद हमने इनर्शिया को लेके इनर्शिया एंड मास के रिलेशन पढ़े थे थोड़ा, कि अगर लार्जर मास रहा तो इनर्शिया भी लार्जर रहता, स्मॉलर मास रहा तो इनर्शिया भी स्मॉलर रिक्वायर्ड होता, उसके रिलेटेड हम बहुत सारा कुछ पढ़े थे। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था, उसका डेफिनेशन मैंने पढ़ा के कुछ एग्जाम्पल दिया, साथ ही साथ मैंने फ्यू एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे लगाए थे। और ये जो एग्जाम्पल थे स्टूडेंट, इसमें ख़ास बात क्या है मालूम, वो ये है कि आपको खुद से सॉल्व करना था ये एग्जाम्पल, हालांकि क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, लेकिन ये स्टूडेंट वर्क्स पे छोड़ दिया, आप लोगों पे छोड़ दिया था मैं, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने से भी एफर्ट्स डालने के लिए। उसके बाद हमने आगे बढ़ा था, मोमेंटम के बारे में पढ़ा, फिर मोमेंटम क्या होता है उसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम भी किया था, मोमेंटम को लेके बहुत सारा डिटेल पढ़े थे। मोमेंटम के साथ साथ हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बारे में डिटेल्स एग्जांपल पढ़े। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हमने इम्पल्स पे आए, इम्पल्स किसे कहते उसके बारे में हम पढ़े। इम्पल्स के बाद हमने फ्यू प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको
कराए थे, तो ये इससे हमारा लॉस ऑफ मोशन कंप्लीट होता। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन की बात आई, जो हमारा सिलेबस है ये CCE है, इसको हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम आपको इंपॉर्टेंट तो दे सकते हैं, आई एम नॉट डिनाई यू, मैं आपको झुटला रहा हूँ, मैं नहीं दे सकते। लेकिन कभी क्या होता है स्टूडेंट, ये बीचों बीचों में से पूछ रहा है रीडर के एक्टिविटीज़ वगैरह, तो उसके लिए आपको कंप्लीट लेसन थरो होता होना है। आपके पास 12 लेसन है तो गम नहीं है, आप 12 लेसन मत पढ़िए, एक लेसन पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए। 12 लेसन थोड़े थोड़े पढ़ने से अच्छा है। वैसा आप बोलेंगे सर 8 लेसन है पढ़ा बोल के, वैसी बात नहीं, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। तो ये जो CCE पैटर्न का जो हमारे जो हायर एजुकेशन अथॉरिटी का जो एम है, मोटिव है, वो ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है रटे ना, जस्ट दे आर नॉट गोइंग टू मग अप, दे हैव टू नो समथिंग, उनको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। तो वो उनका मकसद है, वो अपनी जगह पे सही हैं, हम अपनी जगह पे। तो अब यहाँ पे चलो मुद्दे की बात करता हूँ, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात ये है स्टूडेंट, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उस पर थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, पूरे में से कौन सा भी कैसा भी आ सकता, फिर भी मैं यहाँ पे इतने जो सारे चीज़ें जो आपको रिवाइज बता रहा हूँ, इसमें से तो आपको बिल्कुल ही पढ़ना है। फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर इन दिस एट एनी कॉस्ट, ये तो पहले पढ़ना ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स तीन तो सॉल्व कराए थे, बाकी के चार स्क्रीन पे थे आपके, वो चार एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स पे भी कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, अभी ये पूरा लेसन का रिवीजन भी मैंने करा दिया, कुछ प्रॉब्लम्स भी कराए। अभी मैं दो और स्क्रीन आपके पर लगाता हूँ, क्या क्या एक वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा वो लगाता हूँ। सेकेंड थिंग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पाँच छः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर रहते हैं, यू कैन सी। सो बाई दिस आवर लेसन इज कम्प्लीटली डन, सो यू हैव टू पुट एफर्ट्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन और डाउट यू माइट आस्क टू मी, सर यू आर थिंकिंग अबाउट फिजिक्स ओनली, वी हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक मैथ्स, हिंदी, तेलुगू, सोशल एक्सेट्रा, वॉट एवर इट मे बी, हाउ वी हैव टू मैनेज। स्टूडेंट द सिंपल थिंग इज मैनेजमेंट रियली वैल्यूएबल एंड टफ, यू नीड टू कीप प्रियोरिटी फॉर दिस ओनली। जो सब्जेक्ट्स अक्सर जो है टफ होते हैं या फिर अहमियत रखते हैं, उसको आपको प्रियोरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा खास में रखना पड़ता। तो वो सब्जेक्ट्स कौन से, ऑब्वियसली मैथ्स और फिजिक्स है, आप भी बोलते मैं भी बोलता हूँ पूरा वर्ल्ड बोलता। तो उसके लिए आप, मैं आपको एक शेड्यूल सजेस्ट करता हूँ, एज़ यू आर इन 9th क्लास, अगर आप यहाँ से थोड़ा समझने लगे चीज़ तो इट विल रियली हेल्प टू यू फॉर 10th एज वेल एज इंटर एंड हायर एजुकेशन। करिए क्या स्टूडेंट, आप ज़्यादा नहीं, रोज़ के 2 आवर्स निकालिए पढ़े के लिए, और दैट 2 आवर्स विल बी टोटली हॉनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ निकालना है। नो मोबाइल्स फोन्स, नो लैपटॉप्स, नथिंग नथिंग। आप एक सवाल पूछेंगे, सर अभी तो लैपटॉप हम पे यूट्यूब पे तो देख रहे हैं हम ये लेक्चर, लेक्चर की हद तक इट इज़ ओके, अदर थिंग्स है जैसा कुछ अपार्ट फ्रॉम ये पढ़ाई की हद तक ओके है, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं उस टाइम 2 घंटे के दरमियान ओके है, अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरे ने किए, वो 2 घंटे में क्या कीजिए, 1 घंटे के लिए आप हमेशा मैथ्स और फिजिक्स को कीप कर दीजिए, आप हाफ आवर पढ़िए, या फिर मैथ्स आप 40 मिनट्स पढ़ के 20 मिनट्स फिजिक्स पढ़िए। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट्स डेली बेसिस में पढ़ना है। दूसरा जो हाफ 1 आवर रहा, 2 और सब्जेक्ट पिक कर ले सकते हैं आप, सोशल देख ले सकते हैं, उसके साथ हिंदी देख लिए, कभी इंग्लिश देख लिए, उसके साथ आप बायोलॉजी देख लिए, किस इस तरीके से आप मेंटेन करना है। लेकिन बाय योर हॉनेस्टी यू नीड टू कीप 2 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स फॉर योर स्टडी, देन ओनली इट विल लाइक अप्लीकेबल, बहुत यूज़फुल होगा, यानी कि इस्तेमाल में आएगा कि आपकी मेहनत, आपकी भी खुद की मेहनत है, आपके पेरेंट्स जो है फ़ी पे करते हैं उनकी मेहनत है, और हम खुद यहाँ पे ठहर के हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको थोड़ा सा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, इवन दो वी हैव एक्सपीरियंस लाइक 6 7 ईयर्स 8 ईयर्स, बट इवन दो हम आपको कुछ ना कुछ तो आपको लेक्चर देने से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो होप दिस ऑल अबाउट अवर 3 थिंग्स विद अस, लाइक लेसन कम्प्लीशन, रिविजन एंड फ्यू टिप्स हाउ टू बी सक्सेस, ये 3 चीज़ें हो गए हमारे। अभी आप स्क्रीन पे देखिए व्हाट वी हैव लर्न और कुछ क्वेश्चंस। सो होप यू हैव सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फ्यू क्वेश्चंस यू नीड टू प्रिपेयर ऑन इट। दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास 9th लेसन नंबर 3 फिजिक्स लॉस ऑफ मोशन। आई एम सैयद राशिद, यू आर वॉचिंग ABI अहले बैत इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।